नमस्कार। देश में इतना कुछ घट रहा है, उदयपुर में जो भी कुछ हुआ और जुबैर की गिरफ्तारी, इन सब की शुरुआत आखिर कहां से हुई, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी। महिलाओं की मांग थी कि उन्हें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजन और भोग लगाने की अनुमति दी जाए। इसके ठीक एक साल बाद 2022 में इन महिलाओं की याचिका पर 8 अप्रैल 2022 को निचली अदालत ने स्थानीय वकील अजय कुमार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण वीडियो कैमरे के साथ करने का निर्देश दिया और उसके बाद से इस मुद्दे ने तुल पकड़ लिया। मस्जिद में वजू खाने को सील कर दिया गया। हिंदू समुदाय का आरोप है कि वहां शिवलिंग है और वहीं मुस्लिम समुदाय उसको फव्वारा बता रहे हैं। तभी से देश के सभी मुख्य धारा के निजी न्यूज चैनल महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर शिवलिंग बनाम फव्वारे पर बहस करने लगे। फिर तारीख आई 26 मई 2022। इस दिन शिवलिंग बनाम फव्वारे को लेकर एक निजी चैनल पर डिबेट होती है। इस डिबेट में भाजपा और कांग्रेस समेत कई पार्टियों के प्रवक्ताओं के अलावा भी कई अन्य लोग मौजूद थे। इस डिबेट में उस वक्त की भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी सुर्खियों में तब आई जब ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने इस डिबेट का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद से पूरे देश में ही नहीं बल्कि खाड़ी के देशों में भी नुपुर शर्मा के इस बयान की निंदा होने लगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, बहरीन जैसे कई देशों ने मोदी सरकार से नाराजगी जताई। इसके बाद भाजपा सरकार ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका, पूरे देश में नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन होने लगे। तारीख 27 जून 2022। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी की वजह 2018 में किया गया उनका ट्वीट। फिलहाल दिल्ली पुलिस को जुबैर की 4 दिन के पुलिस रिमांड की कस्टडी भी मिल गई है। 27 जून 2022 के ठीक एक दिन बाद 28 जून 2022 को उदयपुर राजस्थान से एक खबर आती है। उस खबर से लोगों के दिल दहल जाते हैं। देश भर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन हो ही रहा था कि राजस्थान के उदयपुर से एक डरावनी घटना सामने आई। उदयपुर में कन्हैया लाल तेली नाम के टेलर की 2 लोगों ने दिन दहाड़े बर्बरता से हत्या कर दी और जिन 2 लोगों ने पैगंबर का हवाला देते हुए कन्हैया लाल की हत्या की, उनका नाम मोहम्मद रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद है और दोनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं। हत्या के बाद दोनों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने एक वीडियो बनाकर ये भी बताया कि ये हत्या बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का बदला है। अपनी इस वीडियो में दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। दोनों व्यक्तियों को 28 जून को ही राजस्थान के राजसमंद जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जाँच अब NIA कर रहा है। पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। उदयपुर में 1 महीने का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। प्रशासन भी आगे की कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में आगे क्या होगा उसकी अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।